टूट गया? जी कुछ नहीं है, मैं देखती हूँ। ऐसी कौन सी तैयारियां कर रहे हो जी, ठाठू कर करके? ये क्या हो गया? कैसे? मॉम, टेबल पे तेल बिखरा हुआ था, मैंने कुछ उठाया तो सब गिर गया। चल ठीक है, इट्स ओके। बेटा रोशनी, तू चिंता मत कर, तू रो मत, हां बाहर जा, हम लोग कुछ करते हैं। दुर्गा, क्या करेंगे? समधियों को पहली बार बुलाया घर। क्या नानी माँ, जब आप हैं मैं हूं तो कुछ खराब कैसे हो सकता है? बाय द वे, खाना तो बहुत अच्छा बना है, गुड जॉब। इतनी टेंशन क्यों लेते हैं आप? आप भूल गई, मेरे और आपके बीच एक मंत्र हुआ करता था, आई हैव नो फियर। माय जवाई सिद्धार्थ इज हियर। एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। इतनी चिंता मत कीजिए, रोना धोना बंद कीजिए, आप बाहर जाइए, सबको बोलिए कि सब कुछ कंट्रोल में, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई चिंता की बात नहीं है। जाइए, मैं तो मेरे परिवार वाले बहुत बड़े एम्फू कटलेट यहाँ के चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे। तुम क्या करोगे? दुर्गा, कहा ना इसने कि ये हैंडल कर लेगा तो कर लेगा, सिद्धार्थ है ये, समझी? चल चल। पुत्र, तेरा नाम की है? फातिमा। बच्चे बुच्चे है? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना पहले। मैं सठे आ गई हूँ जी, पहुंच जाती हूँ मैं। हाँ बहन जी, क्या हुआ किचन में? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो क्या था कि बारी खुली थी और बिल्ली आ गई। माहौल बड़ा खराब है, खिड़कियां दरवाजे बंद रखा करो। चलो अभी खाना भी लगा लो टेबल पे, हाँ खाने का टाइम भी हो गया। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, रोशनी उसी का इंतजाम कर रही है। हा? सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? सब आ चुके। सिद्धार्थ, एक दा पूरन पोली, सेब टमाटर, आलू मटर पनीर, मिक्स वेज, दाल, स्टीम राइस, आलू जीरा, ऑल डन। सिद्धार्थ, ये सब कहां से आया? जादू से। तुम्हें पता नहीं है मैं बिजनेसमैन के साथ साथ पार्ट टाइम मैजिशियन भी हूं। यही पास में गुजराती रेस्टोरेंट है, खाना बहुत बढ़िया है वहां का, एकदम घर जैसा खाना बनाते हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे वहां डेट पे ले जाया करती थी अक्सर। खैर सिद्धार्थ, पर ये सब बाहर से आया है, मैं जानता हूँ। अब इसे बाहर ले जाओ और ऐसे प्रेजेंट करो जैसे ये तुमने बनाया। खाना खाना होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये घर में बना है या बाहर बना है। और वैसे भी एनिमल, मेरे घर वालों ने आज तक गुजराती खाने को मुंह तक नहीं लगाया, उन्हें क्या पता ये खाना घर में बना है या बाहर से आया। हाय, क्या दिमाग पाया है, तो मेरा जमाई नहीं, मेरा बेटा है। कम यार, एनिमल, मेरी नाराजगी आपकी नातन से। मैं अपनी पुष्पा से कभी नाराज हो सकता हूँ? कभी नहीं बाबू मशाय। देखा दुर्गा, क्या दिमाग पाया है। आपने मुझे जमाई नहीं अपना बेटा कहा है, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। चलिए चलिए, काम पे लगते हैं, बहुत काम, पकड़े जाएंगे नहीं तो। सब्जी नहीं बनाई आपने? अब क्या है ना, दिन के वक्त हम लोग ज्यादातर दाल ही खाते हैं।
डाल लीजिए ना अब थोड़ी सी और। काली दाल तो हम भी बनाते हैं। बिट्टू पुत्र बेबी, तुम आज भी कितनी अच्छी लग रही हो। आई मिस यू सो मच। सुबह से ना सिर्फ तुमसे मिलने के लिए बेकरार था। देखो ना, मैंने वही शर्ट पहनी है जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी। आज भी कितने अच्छे से फिट होती है। तू आज भी बाज नहीं आई ना, हर बार टांग अड़ाती है। राती प्लीज कुछ मत करो। तुम जैसी कमजोर गर्ल्स की वजह से ही ना ऐसे लोग फायदा उठा लेते हैं। कभी तो कुछ तो समझदारी दिखाया करो। तुम चली जाओ यहां से। एंड यू वॉच योर एक्शंस, ओके? मैं तुम्हें समायरा या फिर कृतिका की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मेरी खातिर ले लीजिए एक थेपला या तो एक जलेबी लीजिए। मैं जलेबी ले लेती हूँ जी। हाँ, आपने इतने प्यार से खाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सच में। नहीं बहन जी, बस आपने धीरे धीरे करके ना हमको सारा कुछ खिला दिया। हमारा तो पेट भर गया। हाँ, और कितना खिलाओगे? थैंक यू। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये घर का खाना है। स्वाद तो बाहर के खाने जैसा है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता घर का स्वाद। नहीं, परफेक्ट है। नहीं ना, नहीं, ना, नहीं, मुझे भी नहीं लगता। क्या बात है पुत्र, इतना भीगे पड़े हो। से ना आके नहीं आए थे जो यहाँ नहाने लगे? विजय वो वॉशरूम से ना शार फिसल गया और फिर इसलिए गिर गया। कैसा बाथरूम है आपका? है फिसलन हो गई, काई जमी हुई जे मुंडा गिर गया साडा। नहीं नहीं, आरवी के पैर में प्रॉब्लम है। अच्छा,
बीजी मैं काम कर दूं, मैं कृतिका नाल ना घर चला जाना। हाँ मैं चलती हूँ इसके साथ। मैं भी इनके साथ चलती हूँ बीजी। मैं भी। हाय तू कहाँ चली है? खाना खाने आए हम इनके घर में, मुंह उठाया और चली मैं है? अकल नहीं आनी तुझे, बहू आ गई है, जानते ना उसके पति दे नाल, तू वहां क्या करेगी? बह जा चुप करके। जी बीजी तुम दोनों चले जाओ। चलो आप लीजिए ना। बस कर उपमा, क्या नाम है तेरा? उपमा नहीं, प्रतिमा। अब प्रतिमा हाँ, कितना खिलाएगी तू? हाँ चल खा लेती हूँ थोड़ा। तुम छोड़ो ये सब, मैं कर लूंगी। तुम बाहर जाके सबके साथ बैठो, अब एक दिन के लिए आई हो और सब ये सब काम कर रही हो। इट्स ओके, हो जाएगा। करने दीजिए प्रतिमा दी, वैसे भी आज के लिए बहुत साफ सफाई का काम कर रही। कहीं सिद्धार्थ ने देख तो नहीं लिया मुझे आरवी को वार्निंग देते हुए? अब तुम भी यहाँ आ गए, चलो तुम दोनों बाहर चलो। नहीं नहीं, नहीं, नहीं प्रतिमा दी, आप बाहर जाइए। वैसे भी बीजी आपकी और नानी माँ की बेस्ट फ्रेंड बन गई, आपके हाथ से खाएंगी पिएंगी। जाइए जाइए, उनको मीठा मीठा सर्व करिए, मीठा बहुत पसंद उनको। गो 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 गो, क्विक क्विक। सिद्धार्थ ये क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूं। वॉशरूम में क्या हुआ था रोशनी? क्या राजवीर ने फिर से सैम के साथ कुछ? टेल मी रोशनी, आई नीड टू नो। यस, पर मैंने हैंडल कर लिया शांति से। लेसन सिद्धार्थ, मुझे अपने घर में और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, प्लीज काम डाउन, सब ठीक है। तुम कुछ नहीं करोगे, गुस्से में आके बातें सिर्फ बिगड़ती है। हम दोनों से बेहतर ये कोई नहीं जानता है। Beautiful flowers for the beautiful you. How are you? Hello, auntie. How are you? Very good. Didi? हाँ जी। आ मुंडा कौन है? बीजी ये यश है, रोशनी का बचपन का दोस्त। इनफैक्ट ये एक साथ पले बड़े हैं, पढ़ाई एक साथ इन्होंने की है। आज तक अगर रोशनी को कोई परेशानी होती है तो हमेशा यश ही उसकी मदद करता है ना माँ? हाँ। बीजी हम निकले, देर हो रही है। हाँ हाँ चल बिट्टू पुत्र। हाँ ए, इनकी खातरदारी ने तो हमारा पेट भर देता। चल चल। हाँ बीजी एक्सक्यूज मी।
अगर आप रोशनी को थोड़ी देर यहाँ छोड़ देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत दिनों के बाद आया है, रोशनी भी मिल लेगी, बैठकर बातें कर लेंगे, यू नो दे विल कैच अप। नो नो मॉम, एक्चुअली मुझे भी जाना होगा। आ रोशनी, क्या हुआ? ब्रश, आर यू ओके? यस। नहीं लगी, कांटा लगा है इतना सा, तलवार नहीं घुस गई हाथ पे। यश आई एम फाइन, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं रोशनी, तुम रुक जाओ, सासू मां भी सही कह रही है। अरे यश अभी भी आया है, अच्छा नहीं लगता, तुम्हें इसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। यश तुम्हें छोड़ देगा, यश छोड़ दोगे ना रोशनी को? हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं। चलो। अच्छा बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। चल बिट्टू। सिद्धार्थ, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने बोला ना तुम आ जाना, आराम से आ जाना, यश से बातें करो बैठ के। वैसे भी एक गाड़ी राजवीर और कृतिका ले गए, दूसरी गाड़ी में इतनी जगह नहीं है। क्यों बैठो ना यश, चलो। हाँ रोशनी, तुम भी बैठ जाओ और आराम से खाना खाओ, मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ मॉम। हाँ क्या किया आपने? क्या किया मैंने? यश आई एम सॉरी, इट्स नॉट अबाउट यू, प्लीज माइंड मत करना। आपने यश को क्यों बुलाया घर पे? वो मेरा दोस्त है, आपने उसे भी एम्बैरेस कर दिया, मुझे भी। मॉम, सिद्धार्थ और उसकी फैमिली आए हुए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या जरूरत थी आपको? आपने बीजी की शक्ल देखी थी, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और जब मैं घर पहुंचूंगी ना कितने क्वेश्चंस उठेंगे। मैं बहू हूं उस घर की। आई मीन व्हाई डिड यू डू दिस? फर्स्ट टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू। हुआ क्या तुझे? ये कैसे वर्ड्स निकल रहे तेरे मुंह से? कौन सा घर, कौन सा ससुराल, किसकी बहू? Who cares? रोशनी वो तेरा घर नहीं है ना, तुझे भी पता है तेरा घर ये है। रोशनी 3 महीने का ये अरेंजमेंट है ना, ये 3 महीने के बाद तो ये सब तेरी जिंदगी से बाहर होंगे, और अगर कोई तेरे साथ रहेगा तो वो है यश, क्योंकि यही तेरा हाथ थामेगा। हाँ मैंने बुलाया उनको यहाँ, मैं उस फैमिली को दिखाना चाहती थी, स्पेशली सिद्धार्थ को, कि मेरी रोशनी के पास कोई है, एक ऐसा ऑनेस्ट अच्छा इंसान, होनहार लड़का जो उसका इंतजार करने के लिए तैयार है, वो अकेली नहीं है। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया। मॉम आपने गलत किया है। अगर आप एक बार अपने ईगो और अपने गुस्से को साइड में रख देंगी ना, आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक मिनट, 3 महीने अभी खत्म नहीं हुए, 3 महीने अभी शुरू हुए, और उन 3 महीनों के लिए मैं उस घर की बहू हूं। सिद्धार्थ मेरा पति है और वो फैमिली मेरा ससुराल है, और इस सच के चलते आई विल मेक श्योर कि उस फैमिली में मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना है। मॉम प्लीज, ये 3 महीने मुझे उनकी बहू बनके रहना होगा, मुझे ये करना है, प्लीज लेट मी डू दिस। और ये बात आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगी उतना हम दोनों के लिए बेहतर होगा। रोशनी बेटा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस यश।